किसान भाइयों ने हम ताकत को दिखाई कि गरीबों को स्ट्राइक करके यदि हम दुबाने का काम करोगे तो देख लो प्रशासन या 10,000 जनसंख्या पुष्पराज गढ़ की अनूपपुर में दिख गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। दिवस होकर के कलेक्टर अनूपपुर ने पत्र लिखा और पत्र उन्होंने लिखा कि कार्यालय कलेक्टर जिला अनूपपुर पत्र दिनांक 34/19 दिनांक 24 जुलाई 2024 को सुन लीजिए, पानी आता रहेगा सब लोग बोल रहा 24 जुलाई को प्रमुख उस ज्ञापन को उन्होंने कहा लिखा कि अपर नर्मदा प्रभावित किसान संघर्ष मोर्चा समस्त प्रभावित ग्रामीण ग्राम सभा के अध्यक्ष सरपंच पंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य जिला प्राथमिक सेवा संरक्षण उत्पादगढ़ एवं माननीय विधायक सुंदरराज सिंह मार्को क्षेत्र प्रभाग का खासी के नेतृत्व में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित अपर नर्मदा परियोजना निरस्त करने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय आपका माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री और माननीय संबंधित विभागों को उन लोगों ने लिख करके और ये पत्र भेजा जो आपने गए उसका पत्र नंबर कलेक्टर ने भी लिखा जो ज्ञापन आप लोगों ने देखना हजारों हजार की संख्या में जब आपने अनुपूर पहुंचा आपकी ताकत चलिए परिणाम रहा है कि कलेक्टर जिला अनुपूर ने लिखना पड़ा कि यहां बहुत खून खराबा हो सकता है। जिनको हमने ज्ञापन सौंपा उनको उन्होंने कलेक्टर जिला अनूपपुर में सूचित किया। ये पत्र मैं आपसे भी दूंगा, बहने को भी दूंगा। अगला हमारा कार्रवाई अध्यक्ष जी आप अगला कार्रवाई हमारा होगा 28 और 29 अभी अगस्त को 28 या 29 अगस्त को इस पत्र में महामहिम राज्यपाल को लिखा गया है। महामहिम राज्यपाल को लिखा गया है राज्यपाल ने क्या कार्रवाई किया उस कार्रवाई को जानने के लिए हम लोग भोपाल के लिए कूच करेंगे। इसमें हमारे प्रमुख जो प्रतिनिधि है गाड़ी हमका बस हम कर रहे हैं, एक बस हम करेंगे उसमें 50 प्रतिनिधियों की संख्या 28 तारीख को हम लोग भोपाल के लिए जाएंगे और माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध हम करेंगे कि जिला अनूपपुर कलेक्टर आपका माननीय संबोधित पत्र में लिखा है इस जो ज्ञापन क्षेत्र के लोगों ने सौंपा माताओं बहनों ने सौंपे हैं उसका आपने क्या कार्रवाई किया इसके लिए हम लोग भोपाल जाएंगे और इसका समय है 28 तारीख को हम लोग 50 लोग उसमें आज मैं चाहता हूं कि उसका नाम हम दे देंगे ताकि वो हम इसका भोपाल राज्यपाल को भेजेंगे। हमारे जिला पंचायत के सदस्य जनपद सदस्य इस टाइप के नेता किसान वो 50 लोग हमारे भोपाल के लिए तैयार होंगे। वहां जाकर के हम जो कि राज्यपाल महोदय आज
आदिवासियों के संरक्षक हैं और उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज का जहां भी हित हो अनहित होता है, जहां उनके जन जंगल जमीन का किसी तरीके से असुरक्षित है उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी होता है। इसलिए हम आप सब लोग इस पत्र को जो हमको मिला है, ये पत्र के माध्यम से हम उनको ये बात पहुंच जाएंगे कि कलेक्टर जिला अनूपपुर ने जो लिखा है उस पत्र पर आपने क्या विचार किया, ताकि किसी प्रकार की वहां ऐसी प्रक्रिया न हो कि जनता हमारे उतावले हो जाए और अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो। यह मेरा आपका जो दूसरा स्टेज होगा हम लोगों का, जो 28 तारीख को अगस्त में हम लोग जाएंगे, 29 तारीख को मैं वहां 29 जो समय हमारा मिलेगा मैं बता दूंगा। और माननीय ओमकार भाई से भी बात हुआ है मेरा, उन्होंने भी कहा है कि आप इधर से चलिए, हम जिंदौली वाले भी वहां से चलेंगे और दोनों जिला मिल जाएंगे और हम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। 24 तारीख का जो हमारा आपका जो रैली रहा है उस रैली का प्रभाव जिला में तो पड़ा, प्रदेश में पड़ा ही पड़ा, लेकिन डिंडौरी जिला के लोग और किसान भाई बहन भी गोरखपुर में अभी विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। उन लोगों का भी काम खड़े हुआ कि आप वहां से लड़ाई लड़िए, हम उस पर अनूपपुर से लड़ाई लड़ते हैं और जब हम दोनों जिला मिलकर के लड़ेंगे तो कोई असंभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम आप सब लोग, चूंकि हमारी सरकार नहीं है, थोड़ा सा आप सब लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता है। यह लड़ाई हम सबकी है, हम लोग आगे आगे चलेंगे और इस लड़ाई को हम पूरी तरह से आपको हम आश्वस्त करते हैं कि यह बांध ना बने। इसको निरस्त कराने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे, जो आदिवासी बहन हमारी बैठी है दिल्ली में उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि जब हमें एक आदिवासी राज्यपाल है, एक राष्ट्रपति महोदय हमारी आदिवासी बहन वहां बैठी है, तो आदिवासी के जमीन तो कैसे ले सकते हैं। और जब जब कोई उद्योग लगा हो, जब जब कोई तालाबें बनी, जब हमारे बांधे बनी, परियोजना बनी, उद्योग धंधे वहां लगे, बड़े बड़े परियोजनाएं लगाएंगे, तब तब सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों पर ली जाएगी। आदिवासी ही क्या सही रहे हैं हमेशा? क्या आदिवासियों को बड़ी का बकरा दिलाया जाएगा? क्या आदिवासियों को शहीद किया जाएगा? जब जब उनका विस्थापन होगा आदिवासी ही होते हैं जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का आदिकाल से यहां पर जिसकी धरती जल जंगल जमीन का सेवा किया, जिसने प्रकृति का आपने सेवा किया, पर्यावरण का सेवा किया, कभी जंगल को इसने काटा नहीं। ये जंगल काटने वाला नहीं है। आज किसी भी आदिवासी समाज में घर में जाके देख ले, एक पीढ़ा नहीं है बैठेगा कि वो शीशम के लकड़ी कहां चला जाए, कहां चले गए शीशम, कहां चले गए सागौन। हम तो टूटे टूटे लकड़ी से अपना घर बना दिए, एक बैठने के लिए पीढ़ा नहीं, बैठने के लिए मछियां नहीं, हमने इमारती लकड़ियों का कभी उपयोग नहीं किया। ये प्रमाण है हमारा, हमने हमेशा प्रकृति का रक्षा किया, जंगल का रक्षा किया, जल की रक्षा किया। आज वही आदिवासी मूल निवासी समाज का आज ये दुर्दशा हम लोगों के नासमझी के कारण हो रहा है।
देखिए हमारे महापुरुषों को, ये कई राजा महाराजाओं के वहां पैदा हुए, जो भगवान बिरसा मुंडा एक जंगल में पैदा होकर के, और भगवान आज यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उन्हें पदवी दिया कि भगवान बिरसा मुंडा हो गया। ये ताकत है आदिवासियों इस देश को आजादी कराने के लिए। हमारे शंकराचार्य रघुनाथ साय अपने ईमान को उन्होंने बांधे रह गया, और एक तोप के सामने उनका अंग्रेजों ने उनको दो बाप बेटों को बांध के उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने दास का कबूल नहीं किया। वो समाज के लोग हैं हम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जो आज हम आप सब लोग आजादी की सांस ले रहे, इस आजाद भारत में हमारे महापुरुषों ने अपने खून पसीना बहाया है, हमारी महान माता बहनों ने अपने सिंदूरें निकाली है, वो भारत भूमि पर यदि आदिवासियों के साथ यदि कोई अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग पद लेकर के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने हमें बनाए हैं, आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, सदन से सड़क तक इसकी लड़ाई में लड़ूंगा, सदन से सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई करेगा न करे, मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, यदि जब भी आदिवासी समाज के साथ कोई अन्याय होगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जब रघुनाथ शंकराचार्य रघुनाथ साय के आप वंशज हो, क्या आप महापुरुष हमारे यहां लगे हैं, उनके आपने और जंगल और पहाड़ों में निवास करने वाले उनके पास बहन और बेटियां, मेरे नौजवान साथी जिसके खून है, क्या वो खून उबाल कम हो गया, क्या आपके अंदर वो उबाल कम हो गया, आप अब अपमान सह सकते हैं। आज आवश्यकता है एक होने का, आवश्यकता है अपने महापुरुषों के सिरों में चलने का। बहन मेरे से ये बोलती थी कि देश में फैला डायरिया है, और वो डायरिया से कौन मरा, वो डायरिया से मरने वाला मेरा आदिवासी भाई है, मरने वाला मेरी बहन है, मरने वाला मेरे आदिवासी मूल निवासी समाज का बेटा है, वो बेटी है। इस आजाद भारत में हम तरस गए कि शुद्ध पानी कब मिलेगा, हमने परियोजना बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, जहां आ गए करौंदा टोला समूह जल प्रदाय योजना, बसी जल प्रदाय योजना, कुमली जल प्रदाय योजना, तिपान जल प्रदाय योजना, आज 10 साल से इस सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन इस मुस्कान के लिए स्वीकृत नहीं किया। वो नहीं चाहते कि आदिवासी समाज से तो पानी पिए, समाज से जिंदगी दिए, उनका भी अधिकार है इस देश में, उनका भी अधिकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हमारे समूह जल परियोजना का स्वीकृति आज तक नहीं मिला, जिसके कारण मेरे बेटा और बेटियां खत्म हो गए, मेरे भाई खत्म हो गए। जहां हमारे सीढ़ी में आपने देखा एक आदिवासी समाज के साथ यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पेशाब कर दिया, पेशाब करके अपमानित किया गया, मैं कंबल और खोपड़ी पहना, कंबल और खोपड़ी पहन के और मध्य प्रदेश की अदालत में विधानसभा में पहुंच गया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने पहुंचा। मेरे से जो पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये कमरा खोपड़ी तुम साहब करने के आ गए यहां विधानसभा में, हम उनको बताए कि आज भाजपा सरकार के लोग हाथी की तरह मरते हुए, जब मैं एक अकेला भाई को पेशाब कर सकते हैं तो मैं उसी आदिवासी समाज का मैं बेटा हूं, ऐसा न हो कि मेरे ऊपर भी ये लोग पेशाब कर दें, यदि पीछे से करेंगे तो मेरा कंबल रोकेगा, मुंह में करेंगे
खेत मेरा तुमरी रोकेगा, ये बात मैं विधानसभा में किया। लेकिन अन्याय पर अन्याय, अन्याय पर अन्याय ये लोग करते जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ये विश्व आदिवासी दिवस, ये स्वतंत्रता हम लोगों ने दिलाई है, ये स्वतंत्रता हमारे महापुरुषों ने दिलाया है, उसके जैसे हमारी माता बहने बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वही हमारा आदिवासी समाज है, वही मेरे निवासी है। आज उठो, जागो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, और आपकी एकता ये बांध को बचाएगा। ये मैं आपको कहने चाहता हूं, कौन नहीं बना सकता। लेकिन आपको गांव के लोगों को समझना पड़ेगा, गांव के लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को धारा 11 के नोटिस मिला है, धारा 11 के नोटिस में कल हम लोगों ने बहन भुवनेश्वर के सरपंच जी लोग गए थे, कल हमने सीएम को एक कॉपी दिए है कि आप जो धारा 11 की कार्रवाई कर रहे हैं उस पर हमारे आपत्ति स्वीकार करें। हम लोगों ने तय किया है कि हर ग्राम पंचायत से व्यक्तिगत जिनका जिनका जमीन जा रहा है एक आवेदन बनाएंगे, आवेदन व्यक्तिगत बनेगा। वकील साहब को भी हमने कहा है, देवी सिंह जी को, कि आपको भी हमारा चर्चा हुआ है, आप व्यक्तिगत आपका प्रति व्यक्ति आप आवेदन बनाएंगे और गांव वाली गांव दर्जा साथी जाकर के उस आवेदन को हम आपत्ति दर्ज कराएंगे। यदि हम कराएंगे और वो सारे आवेदन पत्र हम लेकर के फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को 28 और 29 तारीख को देंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया है और मैं आप सभी के हमारे समाज सेवी साथियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इसकी लड़ाई हम आप सब मिलकर के और जितना हो सकेगा इसको रोकने के लिए अगर तन से मन से धन से हम इसका लड़ाई लड़ेंगे। मैं ऐसा आपको आश्वस्त करता हूं, एक बार पुनः मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप कभी भी यह संकोच न करें कि यह बांध का होगी, ये बांध का होगी, अरे का हो जो आप चाहते हो वही होगा, जो आप चाहते हो वही होगा। गांव में कर्मदात रही है, सियाने लोग पहले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कर्मा इशारा इशारा से बात कर देते हैं। मादर जान को सब लोग नहीं जाना, बांधा मादर जान को नहीं जाना। हम मतदान बांध नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, ज्ञान नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। विश्व आदिवासी दिवस के दिन महापुरुषों के एक चरण और शरण में सर्वसम्मत से हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं कि अपर नर्मदा परियोजना जो बांध है सोवा के नाम से जो बनाया जा रहा है उसको निरस्त करने के लिए हम लोगों ने आप सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं, प्रस्ताव पास करते सबको बोले प्रस्ताव पास करते, प्रस्ताव पास करते। ये हमारा आपका याद का और मेरे